जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी। ऐसे ही नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाई जाती है ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम छीली हुई इमली ली है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये इमली है जिसके सीड्स भी निकाल दिए गए हैं। अब इसे एक बार अच्छे पानी से हम धो लेंगे, इसमें जो कचरा होगा वो निकल जाएगा इस तरह से। अब इसमें फिर से 1.5 ग्लास अच्छा पानी डालकर मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दूंगी। 1 घंटे बाद ये देखिए, ये अच्छे से भीग चुकी है इमली और सॉफ्ट हो चुकी है। ये छन्नी है जिसकी सहायता से हम इसे अच्छे से छान लेंगे और इसका पल्प निकालेंगे। इस तरह की छन्नी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हाथ से इसका पूरा पल्प निकल जाएगा। आप देख सकते हैं छन्नी के नीचे इसका पल्प जमा हो चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल ले, ये देखिए इस तरह से। इमली के ऊपर के जो छिलके निकले हैं, इसका इस्तेमाल आप कॉपर और पीतल के बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ डालने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल रही हूँ। लगभग 6 चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर डाल ली है। आप आपके स्वाद अनुसार इसमें मीठा डाल सकते हैं। अब इसे गैस पर रखकर अच्छे से हिलाते जाए और इसे अच्छे से गाढ़ा करना है हमें। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। 1 चम्मच नमक मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसे मध्यम आंच पर अच्छे से हमें पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। बाकी के इसमें मसाले भी पड़ेंगे, वो हम इसमें बाद में डालेंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छे से रहे। इस तरह से ये इमली की चटनी बनाकर आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर में ये थोड़ा सा 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा है, ये 1/2 चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर है, और ये 5-6 खजूर को मैंने छोटे टुकड़े करके लिए हैं। अब ये सारे मसाले हम इस इमली की चटनी में डाल देंगे। ये देखिए, इमली की चटनी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दें। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसमें खजूर भी डाल दें। सबसे आखिर में गैस बंद होने के बाद हम इसमें हींग मिलाएंगे ताकि उसकी खुशबू अच्छे से चटनी में रहे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि खजूर की गुठलियाँ ना रहे। खजूर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसमें डालें। खजूर से इसको अच्छी टेस्ट आती है और जो चीनी हम डालते हैं इससे इस चटनी को अच्छी सी चमक आती है। अगर आपको चीनी नहीं डालनी है तो भी आप सिर्फ गुड़ के साथ ये चटनी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं चम्मच के ऊपर ये अच्छे से चिपक रहा है। इसी तरह से हमें ये गाढ़ी चटनी चाहिए। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसमें मैंने 5-6 चुटकी हींग डाल दिया और इसे अच्छे से मिला ले। अब इस चटनी को अच्छे से ठंडा कर ले। ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी, जैम होता है उस तरह की ये गाढ़ी चटनी बन जाएगी। फिर इसे आप एक कांच की बोतल में भरकर अच्छे से बंद करके रख दें और 2 से 3 महीने तक इसका मज़ा लें। इस चटनी का उपयोग आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे पानी पूरी का मीठा पानी बनाने के लिए, या फिर अलग अलग तरह के स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। दही वड़ा के साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। चाट और भेलपूरी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर बनाकर देखिए इस तरह से इमली की खट्टी मीठी चटनी। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले और रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।